हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, लोगों से जहां हैं वहीं रहने की अपील की गई थी, लेकिन मजदूरों की जो तस्वीर सामने आई थी उससे पूरे देश को हिलाकर उस तस्वीर ने रख दिया था। लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, प्रवासी मजदूरों ने फिर से शहर की तरफ से पलायन किया, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर मजदूरों में वही डर देखा जा रहा है। फिर पलायन को मजदूर हुए मजबूर, सड़कों पर दिखी पलायन की तस्वीर, मजदूरों को फिर लॉकडाउन लगने का डर। ये तस्वीरें मजदूरों के पलायन की है, ये तस्वीरें 2020 की नहीं बल्कि 2021 की है, अभी की है। इस मंजर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर क्या होता है, वो डर जिससे ये प्रवासी मजदूर पिछले साल रूबरू हुए थे, वो डर जिसने इन मजदूरों पर ऐसी छाप छोड़ी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मजदूर पहले ही अपने घर जाने को मजबूर हो चले हैं। कोरोना के मामलों का ग्राफ जो नीचे आ रहा था वो अचानक एक बार फिर तेजी पर है। देश में रोज 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, हरियाणा में ये आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। रोज प्रदेश में 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता में है, तो वहीं अब राय में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। इन प्रवासी मजदूरों को डर है कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कहीं सरकार फिर से लॉकडाउन ना लगा दे और ये मजदूर यहीं ना फंस जाए, इससे पहले इन्होंने पलायन शुरू कर दिया। यहाँ मजदूरी करते हैं, गांव में जाते तो खेती बाड़ी करते हैं, धान गेहूँ गन्ना पन्ना जो होते ना काटते पीटते हैं। तो अब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से पलायन कर रहे हैं कोरोना के डर से, क्योंकि यहाँ 2 महीने खाए, कमरे का किराया भी डबल देना पड़ा और अनाज हमें महंगा मिल रहा, राशन हमें महंगा मिल रहा, इसीलिए हम कोरोना के डर से पहले ही भागे जा रहे हैं। दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है? लोग कह रहे हैं दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए हम घर भागे जा रहे हैं सारे। कितने लोग चले जाते हैं एक दिन में? चले जाते हैं यहाँ से रोज, मान के चलो 150 आदमी तो यहाँ से 5-5 तो चले जाते हैं, जो गरीब आदमी हो भाग जाते हैं। 2020 की वो तस्वीर तो आपको याद होगी ही, जब कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लोगों से जहाँ है वहीं रहने की अपील की गई थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों को रहने खाने की चिंता सताने लगी थी, तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हुआ, मजदूरों ने फिर से शहरों की तरफ रुख किया, लेकिन अब बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए मजदूरों ने फिर यूपी और बिहार की तरफ पलायन शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों की चिंताएं भी बढ़ने लगी। मजदूरों का ये कदम उद्योगों के लिए एक बार फिर बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। काम करने वाले मजदूरों की कमी से औद्योगिक क्षेत्र परेशानी में है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री भी कभी स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता कर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कई राज्यों ने अपने शहरों में लॉकडाउन लगाया है, तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि सरकार लॉकडाउन को लेकर बार बार यही कह रही है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सोनीपत के DCSL पुनिया का भी कहना है कि सरकार और प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं, मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं। डीसी ने कहा कि मजदूरों को अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद भी उन मजदूरों को चिंता सताने लगी है जो अपने गांव से शहरों में नौकरी के लिए आए थे। इनमें ज्यादातर तो वो मजदूर है जो पहले भी लॉकडाउन के दौरान पैदल अपने घर जाने को मजबूर हुए थे। कोरोना के मामलों में सुधार के बाद इन मजदूरों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना की रफ्तार पकड़ने के बाद इन मजदूरों ने फिर से पलायन शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की नजरें सरकार की अगली रणनीति पर है। हरियाणा न्यूज के लिए राय से लाजपत की रिपोर्ट।